कुर्बानी के गोश्त का हुक्म सवाल ये है कि कुर्बानी का गोश्त कितने हिस्सों में तकसीम किया जाए तो इस गोश्त का क्या हुक्म है देखें आला दर्जा ये है कि कुर्बानी के गोश्त के तीन हिस्से किए जाएं एक हिस्सा अपने लिए और एक हिस्सा अपने रिश्तेदारों के लिए और एक हिस्सा फ़करा ग़ुरबा के लिए लेकिन अगर कोई बंदा गोश्त सारे का सारा अपने फ्रिज फ्रिज के ऊपर वाले खाने में पैक करके रख लेता है तो उसके लिए रखना जायज़ है नाजायज़ नहीं है लेकिन आला दर्जा मैं अर्ज कर रहा हूँ कि वो ये है कि गोश को तीन हिस्सों में तकसीम करके एक हिस्सा अपनी ज़ात के लिए रख ले और एक हिस्सा गुरबा के लिए एक हिस्सा अपने करीबी रिश्तेदारों के लिए तो ये तीन हिस्सों में गोश को तकसिम कर दे। अकीके का जो गोश्त है तो उसका भी यही हुक्म है इसके बाद अकीके के हवाले से यहाँ एक मसला बताना चाह रहा हूँ ज़िमनन एक मसला यहाँ ये यह अक़ीक़े के हवाले से भी आ गया कि जो जानवरों के अहकाम क़ुरबानी के जानवरों के जो अहकाम हैं वही अहकाम अकीके के जानवर पर लागू होंगे यानी उसका दौंदा होना दो साल होना एक साल होना अगर बड़ा जानवर ऊँट है तो उसका उसकी उम्र पाँच साल होना और इसी तरह जो चीज़ें जो शराय कुर्बानी के जानवर में और कुर्बानी के जानवर में जो चीज़ें जो शराय पाई जा रही थी वही चीज़ें और शरात जो है वो अकीके के जानवर में भी पाई जाएंगी और जो हुक्म कुर्बानी के गोश का था वही हुक्म अकीके के गोश का होगा वही हुक्म इसका होगा लेकिन इसमें अकीके के जानवर के लिए साहब निसाब होना ज़रूरी नहीं आदमी को जब भी इस्तेदाद हो अगर वह अपनी तरफ से अपने बच्चों की तरफ़ से अकीका करना चाहे तो करना चाहिए यह ज़िंदगी का सदका होता है बहुत सारे लोग इसको इसकी तरफ अदम तो का शिकार हैं जब भी आपके घर पर बे कोई बेटा बेटी अल्लाह ताली अता फरमाए औलाद की शक्ल आपको नसीब हो तो सातवें दिन जैसा कि सुन्नत है कि उनका नाम रखना और उनके बाल कटवाकर कर उनकी बालों के वजन के बराबर चांदी को सदका करना और उस या चांदी की मालियत सदका कर दें और उसके बाद उसका नाम रखा जाए और उसको घुसल दिया जाए और उसी सातवें दिन जो है वो, वो उस बच्चे का अकीका अदा किया जाए तो बेटा हो तो बेटे की तरफ से दो हिस्से होंगे बड़े जानवर में अगर छोटा जानवर है तो दो बकरे हों तो दो छोटे जानवर हों अगर ये आला दर्जा सुन्नत और अगर कोई बंदा एक जानवर भी दे दे या एक हिस्सा भी डाले तो हो जाएगा अकीका उसकी तरफ से भी लेकिन बेटी की तरफ से जो है वो एक हिस्सा है और एक छोटा जानवर है तो दोनों में से कोई एक चीज़ आ, बेटे की तरफ से दो जानवर तो इसके लिए साहब निसाब होना ज़रूरी नहीं है बल्कि आदमी को जब भी इस मिली इसको कहीं से भी इसका इसके पास माल आया तो ये हकीके का जानवर खरीद कर अपने अ, अ, अकीका कर सकता है तो उसके लिए जायज़ है यहाँ एक बात ये भी अर्ज कर दूँ कि